Hi guys, I'm here with the daily use English speaking practice sentences. These sentences are, for God's sake, shut your mouth. I did it at your insist. He said, definitely not. Don't poke your nose. What do you mean? It means he will come. No flattering, please. I am sure for it. I assure you about it. And it is natural. Dear friends, these are some sentences we use in our conversation. तो यदि आप भी इसी प्रकार के sentences के through English सीखना चाहते हैं तो please subscribe कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए. देखते हैं किन sentences का कब यूज करते हैं. For God's sake, shut your mouth. कभी कभार जब किसी व्यक्ति को हम चुप रहने के लिए कहते हैं और वो चुप नहीं होता है तो इस प्रकार का सेंटेंस यूज करते हैं कि भगवान के खातिर अपना मुंह बंद करो. तो इसी को बोलते हैं फॉर गॉड सेक शट योर माउथ. कभी कभी कोई काम हम किसी की जिद पर करते हैं. यदि कोई कहता है कि भाई ऐसा करिए करिए और हम करते हैं और उससे ये कहते हैं आई डिड एट योर इंसिस्ट, ये मैंने आपकी जिद पर किया. आई डिड At your insist, I did it at your insist. मैंने ये आपकी जिद पर किया. और जब कोई कहता है कि क्या आपने उससे इस काम के लिए कहा था और आप कहना चाहते हैं कि उसने बिल्कुल मना कर दिया, उसने बिल्कुल ना कहा, तो बोलेंगे He said definitely not. उसने कहा बिल्कुल नहीं. Don't poke your nose. कभी कभार कोई व्यक्ति किसी के जो पर्सनल मैटर होता है उसमें बीच में बोलने लगता है तो इसी को उन्हीं को मना करने के लिए हम कहते हैं डोंट पोक योर नोज, अपनी टांग मत अड़ाइए. अपनी टांग मत अड़ाइए, बीच में टांग मत अड़ाइए, एक फ्रेजेस होती है ये. और जब कोई व्यक्ति घुमा फिरा करके कुछ दूसरी बात कहता है तो हम उसको स्पष्ट करने के लिए बोलते हैं व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है. और किसी चीज़ से यदि ये मतलब निकल रहा है, किसी ने कुछ कहा है तो उससे ये मतलब निकल रहा है कि वह आएगा, तो हम बोलते हैं इट मीन्स ही विल कम. इट मीन्स ही विल कम, इसका मतलब है कि वह आएगा. और कभी कभार अपना काम निकालने के लिए लोग झूठी तारीफ करने लगते हैं तो उन्हीं को इस प्रकार से हम कहते हैं कि चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ या झूठी तारीफ मत करो. इसी के लिए इंग्लिश में यूज करते हैं नो फ्लैटरिंग प्लीज. नो फ्लैटरिंग प्लीज. जब आपको किसी चीज़ के बारे में अच्छे से पता होता है तो बोलते हैं आई एम श्योर और फॉर इट, यानी कि इस बारे में मुझे अच्छे से पता है, आई एम श्योर फॉर इट. और जब आप किसी को ऐसा कहते हैं कि मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ, तो उसके लिए एश्योर वर्ड का यूज करते हैं. इस बारे में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आई एश्योर यू अबाउट इट. और जब कोई बात ऐसी होती है जो होने लायक रहती है तो हम कहते हैं कि ऐसा तो होना ही था, यह स्वाभाविक है, ये इट इज़ नेचुरल, यह सामान्य बात है या यह स्वाभाविक है, it is natural. So dear friends, these are some sentences which will help you to learn English. यदि आपको इस प्रकार के सेंटेंस अच्छे लगे हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए. और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके. और आप भी इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़कर, सुनकर, लिखकर प्रैक्टिस करिए और अपने कन्वर्सेशन में यूज करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.